नमस्कार, मैं संजीव कुमार वर्मा, सहआचार्य SPC गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से आप लोगों से मुखातिब हूँ। हम BA पार्ट फर्स्ट में राजस्थान के भूगोल के अंतर्गत, ज्योग्राफी और राजस्थान के अंतर्गत मिट्टी संसाधनों के बारे में चर्चा कर रहे थे, सॉयल रिसोर्सेज के बारे में चर्चा कर रहे थे। आज हम सॉयल रिसोर्सेज की एक और टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, राजस्थान में मिट्टी संबंधी समस्याओं के बारे में। पहली जो समस्या है राजस्थान में मिट्टी की, वो है भूमि की उर्वरा शक्ति का निरंतर कम होना। भूमि की उर्वरा शक्ति में वृद्धि करके ही अधिक उपज लेना संभव है। इसके लिए मिट्टी के कटाव को रोकना, जलाधिक्य की समस्या का निवारण करना, भूमि को ऊसर होने से बचाना और फसलों को हेरफेर से बोना, खाद का नियमानुसार उपयोग करना एवं वैज्ञानिक कृषि विधियों को अपनाया जाना ही आवश्यक होगा, तभी हम इस समस्या से निजात पा सकते हैं। दूसरी जो समस्या है, जलाधिक्य की समस्या। जब किसी क्षेत्र में जल का स्तर फसल के जल क्षेत्र में स्थित मिट्टी को आर्द्रता प्रदान कर वायु के सामान्य प्रवाह को रोक दे, जिससे मिट्टी में ऑक्सीजन की कमी तथा कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता हो जाए, तो ये समस्या भी राजस्थान में काफी देखी जाती है। इस समस्या के निवारण हेतु, जल के विकास हेतु खेतों में नालियों का निर्माण किया जाना चाहिए, नलकूपों का निर्माण कर बाढ़ नियंत्रक एवं अच्छी जल निकास व्यवस्था आदि तरीकों को अपनाकर इसका निवारण संभव हो सकता है। राज्य की 3.5 लाख हेक्टेयर भूमि इस समस्या से ग्रसित है। अगली जो समस्या आती है वो है खरपतवार की समस्या। मिट्टी के पोषक तत्वों का शोषण मुख्य उपज के साथ साथ उगाए अवांछित पौधे, जो खरपतवार के नाम से जाने जाते हैं, बड़ी मात्रा में कर लेते हैं और मुख्य उपज का उत्पादन कम हो जाता है। अतः इस समस्या के निदान स्वरूप इन्हें मानवीय श्रम द्वारा उखाड़ना, फसलों में हेर फेर कर रासायनिक पदार्थों का प्रयोग कर कम किया जा सकता है। और अगली जो समस्या है वो राजस्थान में, वो है मरुस्थलीय प्रसार की। विगत कई वर्षों से ये समस्या बड़ी महत्वपूर्ण हो गई है। अगर इस पर नियंत्रण नहीं पाया जा सका तो ना केवल राजस्थान की बल्कि पंजाब, हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश की काफी अत्यधिक कृषि भूमि बेकार हो जाएगी। इस समस्या के निराकरण हेतु जोधपुर में केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्था सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट काजरी द्वारा निरंतर अनुसंधानरत है और समस्या के निदान हेतु वृक्षों की पंक्तियां पवन दिशा के विरुद्ध लगाई जा रही है। अगली जो समस्या हमको दिखाई देती है राजस्थान में वो है सेम की समस्या या जलाधिक्य की समस्या। राज्य में नहरी क्षेत्रों में रिसाव के कारण ये समस्या उत्पन्न हुई है। इंदिरा गांधी नहर से हुए रिसाव के परिणाम स्वरूप इस नहरी क्षेत्र की हजारों हेक्टेयर भूमि दलदल में परिवर्तित हो गई है। सेम ने नहर के प्रथम चरण की 1/3 से अधिक उर्वरा मिट्टी को कृषि कार्यों के लिए अनुपयुक्त बना दिया है। जल रिसाव के कारण क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के खनिज तथा अन्य पदार्थ भी निकलकर भूगर्भ सतह पर आ जाते हैं, फलस्वरूप इस क्षेत्र में वृक्ष भी सड़ गल कर नीचे गिर जाते हैं। लवण एवं क्षार युक्त ये जल खेतों में कई कई फीट तक भरा हुआ दृष्टिगोचर होता है। इस प्रकार अधिकांश क्षेत्रों में सेम की दुर्गंध में पानी प्रदूषण की समस्याओं से भी क्षेत्रीय लोगों को पीड़ित बनाए हुए है। इंदिरा गांधी नहर द्वारा सिंचित क्षेत्रों में सेम की समस्या के निदान हेतु सेम ग्रस्त क्षेत्रों में पानी को ट्यूब बैलों के माध्यम से पुनः निकाल कर उपयोग करने, वन एवं वृक्षारोपण तथा चारा आदि की बुवाई किए जाने तथा क्षेत्र के किसानों को कम पानी से पकने वाली फसलों को प्राप्त करने हेतु अलग तरीके अपनाने के लिए कहा गया है। जल मगनता एवं लवणता की समस्या। चंबल सिंचित विकास क्षेत्र से जल मगनता एवं लवणता की समस्या से छुटकारा पाने हेतु भूतल सतह से 1 से 1.5 मीटर की गहराई तक
पीवीसी पाइपलाइन बिछाकर या डालकर अतिरिक्त जल की निकासी की जा रही है। इस विधि का उपयोग राज्य में अन्य जलमग्न क्षेत्रों में भी स्थानीय समस्या को ध्यान में रखकर अपनाया जा सकता है। प्रकृति द्वारा मानव को एक महत्वपूर्ण देन मिट्टी है, जिसने सृष्टि की उत्पत्ति से ही मानव सभ्यताओं एवं संस्कृतियों को सदैव विशेष भौगोलिक क्षेत्रों में ही पनपाया है। इसके लिए केवल उत्तरदायी है मिट्टी, और केवल उर्वरा शक्ति का अनुक्रमण प्राकृतिक तत्वों का परिणाम है, तथा इससे संबंधित समस्याओं का निदान मानव के स्वयं के हित में भी है। भू संरक्षण किस प्रकार किया जाए? भू संरक्षण के लिए राज्य में सुबबूल नामक वृक्ष अति उपयुक्त सिद्ध हुआ है, क्योंकि यह न केवल शीघ्र बढ़ता है बल्कि इसे बहुत कम जल की आवश्यकता पड़ती है। साथ ही साथ अधिक क्षारता को सहन करना, मिट्टी को नाइट्रोजन की दृष्टि से समृद्ध बनाना, कृषि में सहायक व चंबल नदी के कटावों को रोकने में अधिक उपयोगी होना, जब पशुओं के लिए चारा एवं लकड़ी भी प्रदान करना आदि गुणों से युक्त है। राजस्थान में वर्ष 1952 में जोधपुर में एक मरुस्थल वृक्षारोपण तथा अनुसंधान केंद्र खोला गया। ये केंद्र मरुस्थल में उपयुक्त पौधे लगाता है तथा यहाँ पौधों और बीज उगाने के लिए वितरित किए जाते हैं। वर्ष 1956 की अवधि में राजस्थान में जोधपुर के निकट ही चारागाहों के विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 500 हेक्टेयर भूमि में 55 बाड़े तैयार करवाए गए। वर्ष 1961 से 1966 के दौरान मरुस्थलीय क्षेत्रों में चारागाह तथा वृक्षारोपण किया गया और 25 लाख हेक्टेयर भूमि का पहाड़ी क्षेत्रों तथा बंजर भूमि पर संरक्षण कार्य प्रारंभ हुआ। चौथी एवं पांचवी योजना अवधि में भूमि सुधार तथा बीयर भूमि का संरक्षण कार्यक्रम भी पूर्वी व दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में 1.2 लाख हेक्टेयर भूमि पर किया गया। वर्ष 1980-85 की अवधि में 15.6 करोड़ रुपए खर्च कर भूमि संरक्षण कार्यों के अंतर्गत भूमि के कटाव वाले क्षेत्रों में नालियों को भरने और उसके संरक्षण का कार्य भी आरंभ हुआ। और इस प्रकार हम देखते हैं कि मेड़बंदी और भूमि शरण कार्यों में संलग्न व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया गया। वर्ष 1985-90 के दौरान सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम के अंतर्गत 21,474 हेक्टेयर में भू संरक्षण का कार्य किया गया। सबसे गहन संरक्षण कार्य डूंगरपुर में किए गए। मरुस्थलीय क्षेत्र के जिलों में भू संरक्षण कार्यों की उपलब्धता दिसंबर 1990 तक 3,758 हेक्टेयर की रही। वर्ष 1992-97 तक फसलों का ऐसा प्रारूप अपनाने के लिए प्रयास किए गए जो कम नमी के अनुकूल हो। इन प्रयासों में बंडिंग या कंटूर बंडिंग की विधि ज्यादा उपयुक्त सिद्ध हुई। अपेक्षाकृत टेरेसिंग या सीढ़ीदार कटक निर्माण, रिज मेकिंग या चेक डैम के निर्माण आदि के कारण चंबल कमाड एवं बीएड क्षेत्र विकास के अंतर्गत भी भू संरक्षण कार्यक्रम शुरू किए गए। इससे कोटा, बारा, धौलपुर, भरतपुर व करौली जिले लाभान्वित हुए। लवणीय भूमि उपचार विशेष कार्यक्रम वर्ष 1996-97 में शुरू किया गया। इसके आधार पर अब तक 2 स्तरों पर 100% सहायता के आधार पर चला रही है। वर्ष 1997-98 में पश्चिमी राजस्थान के मरू जिलों में शुष्क खेती को अपनाते हुए भूमि व जल संरक्षण पर अधिक प्रयास किए गए। जल ग्रहण विकास एवं भू संरक्षण के अंतर्गत कुछ योजनाएं हैं जो राजस्थान में चलाई जा रही हैं। पहली है वर्षा आधारित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय जल ग्रहण विकास कार्यक्रम। दूसरी है एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम IWDP। और तीसरी है मरु विकास कार्यक्रम DDP। और चौथी है मरुकरण संधाती मरु प्रसार रोक योजना CDC। और पांचवी है सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम DPAP। और छठी है पहल योजना, ये डूंगरपुर एकीकृत बंजर भूमि विकास परियोजना भी कहलाती है। और बंजर भूमि विकास निगम द्वारा हम बंजर भूमि की समस्या के समाधान हेतु केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 1985 में बंजर भूमि विकास निगम की स्थापना की गई। और साथ ही साथ राजस्थान वेस्टलैंड डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना भी राजस्थान में भू संरक्षण के उपायों को अपनाने के साथ साथ चल रही है। राज्य में बंजर भूमि विकास से संबंधित सभी विभागों, केंद्र व राज्य सरकार में समन्वय स्थापित कर बंजर भूमि पर एकीकृत रूप से
जल एवं भू संरक्षण कार्य, सामाजिक वानिकी व चारागाह विकास के लिए दीर्घकालीन योजना तैयार कर क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राजस्थान वेस्टलैंड डेवलपमेंट बोर्ड का गठन किया गया और ये बोर्ड लगातार सभी राज्यों में विभिन्न योजनाओं को संचालित कर रहा है। और आज हमने भू संरक्षण के उपायों और उनकी मिट्टी की समस्या के बारे में चर्चा की। कल हम वन संपदा के बारे में, राजस्थान की वन संपदा के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।